आज की जो पंक्तियां है आपको कितनी समझ में आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा पहला प्रयास है, वो भी पंजाबी में है, मैं खुद ही कंफ्यूज में हूं। ये इतना ठीक है कि गुरुदेव समझ ले बस। मेरे सतगुरु आ जाओ, अखिया तरस रहिया, आके दर्श दिखा जाओ। मेरे सतगुरु आ जाओ, मेरे सतगुरु आ जाओ, अखिया तरस रहिया, आके दर्श दिखा जाओ। अखियां तरस रहिया, आके दर्श दिखा जाओ। सत्संग विच आ जाओ, सत्संग विच आ जाओ, भुले हुए लोकानु सच्ची राह दिखा जाओ। भूले हुए लोकानु सच्ची राह दिखा जाओ। मेरे सतगुरु आ जाओ, मेरे सतगुरु आ जाओ, अखिया तरस रहिया, आके दर्श दिखा जाओ। मंगा प्रेम दि भग दिए, मंगा प्रेम दि भग दिए, मेरे गुरुवर दी वाणी अमृत लग दिए। मेरे गुरुवर दी वाणी अमृत लग दिए। मेरे सतगुरु आ जाओ, अखिया तरस रहिया, आके दर्श दिखा जाओ। अखिया तरस रहिया, आके दर्श दिखा जाओ। पंछी उड़ उड़ गान देने, पंछी उड़ उड़ गान देने, दर्शन कर गुरा दे, सब दुख मिट जान देने। दर्शन कर गुरा दे, सब दुख मिट जान दे। मेरे सतगुरु आ जाओ, मेरे सतगुरु आ जाओ, अखिया तरस रहिया, आके दर्श दिखा जाओ। अखिया तरस रहिया, आके दर्श दिखा जाओ। आपको सच में समझ में आ गया? क्या बात है। पुलकित धरती जगमग आकाश, पुलकित धरती जगमग आकाश, आज ये प्रार्थना है आपके लिए खास, आज ये प्रार्थना है आपके लिए खास। धनतेरस के शुभ दिन, धनतेरस के शुभ दिन, पूरी हो आपके मन की हरास, पूरी हो आपके मन की हरास। धनतेरस की पवित्र वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्रद्धे मेरे गुरुदेव श्री जी की ओर से, मेरी आराध्य गुरुवरिया उप प्रवर्तनी पूज्या चंद्रकला श्री जी महाराज साहब की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाइयां, शुभ आशीर्वाद। तो चलिए करते हैं आज के प्रवचन का आगाज। कहते हैं जिनके पास
धन है, क्योंकि आज बात धन की तो होनी होनी है जी, क्योंकि आज क्या है, धनतेरस। जिनके पास धन है वह भाग्यशाली है, जिनके पास धन के साथ स्वास्थ्य है वह पहले भाग्यशाली उसके बाद सौभाग्यशाली। जिनके पास धन है वे भाग्यशाली, जिनके पास धन के साथ स्वास्थ्य है वे सौभाग्यशाली, और जिनके पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है और जीवन निर्माण का धर्म भी है, वे कौन है? क्या बात है जी, वे परम सौभाग्यशाली। और जिनके पास ये तीनों नहीं है, जिनके पास ये तीनों नहीं है वे कौन? मैंने तो नहीं बोला दुर्भाग्यशाली, आपसे सुना है भाई मैंने तो। धन और धर्म दोनों की राशि एक है, मगर हर इंसान अपनी जिंदगी को टटोले कि हमने अधिक महत्व धन को दिया है या धर्म को दिया है। जिंदगी यापन करने के लिए यदि धन भी जरूरी है तो धर्म भी जरूरी है। जब भी परमात्मा के पास जाए तो यह ना कहे कि हे परमात्मा मैं इसलिए धर्म कर रहा हूं ताकि मुझे नरक नहीं मिले, या इसलिए भी नहीं जाए ताकि परमात्मा मैं तेरे नाम की माला करूं, स्मरण करूं ताकि मुझे स्वर्ग मिल जाए और स्वर्ग की अप्सराएं मिल जाए। परमात्मा के नाम पर यदि धर्म करो तो केवल इतना ही करना कि हे परमात्मा मुझे तू मिल जाए, कौन मिल जाए। और जब धर्म करते हुए ऐसे भाव ऐसे विचार हमारे भीतर आएंगे तो एक दिन परमपिता परमात्मा से साक्षात्कार हमारा 101% होके ही रहेगा। एक तरफ धन है, एक तरफ धर्म है, दोनों ही जरूरी है। संसार में रहते हुए दोनों भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि धन को पकड़ ले और धर्म को छोड़ दे। लेकिन याद रखना, जब हम यहां से रवानगी होगी तब आपका धन, आपका बैंक बैलेंस, आपका सोना, आपकी प्रॉपर्टी कहां रहेगी जी? यही रह जाएगी। और आपका धर्म साथ जाएगा, हर वक्त हर पल आपका साथ निभाएगा। धर्म केवल स्थानक में ना हो, धर्म केवल मंदिर में ना हो, धर्म केवल गुरुद्वारे में ना हो, किसी भी धर्म स्थान पर हम आधा घंटा या एक घंटा, सही, आधा घंटा या एक घंटा हम धार्मिक बन जाते हैं, बाकी क्या 24 घंटे सब कुछ करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या सब कुछ करने का हमें लाइसेंस मिल जाता है? नहीं। धर्म तो वह होता है कि यहां से जब हम करके निकले तो अगले को भी पता चले कि वास्तव में यह धर्म स्थानक से आया है या समता की सामायिक करके आया है। आज धनतेरस की पावन वेला, आज हर कोई किसका पूजन करेंगे जी? धन का। कितने जल्दी याद आया। आज लक्ष्मी जी का पूजन, कुबेर जी का पूजन, गणेश जी का पूजन, हर कोई की आज यह दिली तमन्ना होगी कि लक्ष्मी जी क्या हो जाए। लेकिन मैं आपको एक तरीका बतलाऊं उन्हें खुश करने का, गारंटेड है, करके देखिएगा। यदि आपके घर की लक्ष्मी खुश हो जाए तो मान करके चलना वो लक्ष्मी भी आपसे क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। इसी के साथ जैसे आपके दिलो दिमाग में एक बात आती होगी कि जब कोई समाज में, तीर्थ में या किसी संस्था में पैसे डोनेट करते हैं तो उनका बड़ा नाम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? और कई बार नाम इतना लिया जाता है तो आप लोगों के मन में आता है कि महाराज साहब भी बड़ा नाम लेते हैं। लेकिन याद रखिए, धन देने वालों का या दान देने वालों का इसलिए नाम लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने धन का त्याग किया है, और त्याग करने वालों की महिमा
तो हमारे आगमकारों ने भी गाइए, वहां भी देवताओं ने अहो दानम का क्या किया है, उद्घोष किया है। तो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ पैसे वालों का नाम लिया जाता है या पैसे देने वालों का ही नाम रटा जाता, ऐसा नहीं है। ये बात यह है कि त्याग करने वालों की महिमा है। किसकी महिमा है? त्याग करने वालों की महिमा है। जिसने त्याग किया है उसकी अपरंपार महिमा होती है। चलिए, कहना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुई का काटा घूम के आ गया है जी। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।